ये फ्रिज में मसला क्या है ये आपको हम बताएंगे कि ये देखें, ये सही फ्रिज चल रहा है तो ये पर पेंट भी किया था, इसके बाद ये पेंट ख़त्म हो गया, जंग लग गया। ये देखें सारी इसकी हालत देख लें आप। और जेन्युइन पेंट इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेंट था, ये ऊपर पेंट भी किया था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जंग लग रहा था, यहाँ पे तो कवर हो गया, लेकिन जब फ्रिज चलता है ये पानी वगैरह जब गिरता है इसके अंदर तो ये जंग लगता है, ये हर तो आज आपको उसको पूरा डिटेल के साथ आपको इसका मसला हल इंशाल्लाह करके पूरी वीडियो में आपको बताएंगे, बस आप तो वीडियो देखते रहना। फ्रिज को आपने बंद कर देना 3 से 4 घंटे, उसके बाद आपने बड़े वैसे किताब देना है, छोटी कांटा वगैरह ना लगे ताकि ख़राब हो जाते हैं गैस लीक हो जाए, तो ये इनका अपना होता है, किसी को इस्तेमाल करें। फ्रिज के साथ ये आता है प्लास्टिक का, ये बाज़ार से भी परचेज मिल जाता है इजी के। तो इजीली हम इसका डोर ऊपर वाला ना करते हैं खोल देंगे, इसको उतार देंगे, ठीक है। अब ये इस तरह खोल लेना, ठीक है। कहीं कहीं ये पेच जंग खा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मतलब इस तरह के हो जाते हैं, तो ये पेच खुलते हैं नहीं बाजू का। तो सीधा आपने एक आड़ी का ब्लेड लेना है और उसके सेंटर में रख के आपने ऐसे करके चलाना है इस तरीके से। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं थोड़ा मोबाइल। और नंबर दो, ये गोटे होती हैं इसकी ना लगी हुई होती है, ये यहाँ पे ये की लगी हुई है, इसकी एक बाइक साइड की ये गोट, ये इसमें चौरस होती है, कईयों की गोल होती है, तो जो होगी वही आपने मतलब चौरस है तो चौरस लेनी, गोल है तो गोल लेनी, ये भी चेंज करनी लाजमी। इसमें से मेरे लोग कहते हैं दरवाज़ा नहीं बंद होता है, दरवाज़ा खुलता है, ये रपटे वगैरह थी ये मैंने पहले चेंज करवाई थी लेके आया था मैं, तो इसका ये बंद होने का मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें वैजिन वगैरह लगा लो, इसमें यूँ जुगाड़ लगा लो, ये बंद हो जाएगा, तो ये बंद नहीं होती है। ये देखें साइडों से माजरत, ये खुला रहता है साइडों से सारा, तो इसका बेहतरीन हल है कि आप एक कुंडी लगा लें। जिस तरह मैंने एंड में हल यही निकाला कि ये मैंने कुंडी लगाई है, अब कुंडी इसलिए लगानी है कि ये फुल बंद हो जाए, देखें फुल कांडली बंद हो रहा है। तो इसका ये मसला पहले आया था, ये मैंने सॉल्व कर दिया था, तो ये नई रपटे लगवाई थी, ये सिर्फ कलर आ गए। अब दूसरा हल ये बताना था कि यहाँ पे हमने इसको पेंट किया है, ठीक है, जो कि ये आप इसी कंडीशन देख सकते हैं क्या हाल चल रही है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एक बॉडी सारी ख़त्म हो जाएगी इसकी। अब इसमें भी आपको मैं एक बेहतरीन जुगाड़ बनाऊँगा बताऊँगा और आपको करके भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसको हम खोल लेते हैं। और अच्छा एक और बात मैंने आपको ये बतानी थी कि ये कहीं पर ना पेच ढीले हो जाते हैं यहाँ से ना, ये फंसते नहीं है बाहर कौन लगते, तो आपने इससे मोटे पेच लगा लेने लोहे के अंदर, ऐसी कसने चूड़ी में बनी हुई होती है, तो आपको कोई इशू नहीं है इसमें, करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और किसी मेरे भाई को कोई मसला आ जाए इनके चीज़ के बारे में तो मुझसे पर्सनल इनबॉक्स पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बात कर सकता है, कोई मसला नहीं। तो ये भी मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको मैं कंटिन्यू वीडियो दिखाऊँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये पेच मुझसे नहीं खोल रहा, मैंने मिट्टी का तेल भी इसमें डाला है तो नहीं खोल रहा, तो कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे चले जाना है, ये इसकी आज से खींचेंगे ना ये प्लेट ईजी नहीं निकल आती, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पे ये पेच थोड़े बेहतर है, ये पेच खोल के मैं निकाल लूँगा, फिर उसके बाद इसको भी मैंने खोलना ही है, लेकिन बाद में खोलूँगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ मेरा ना ये इसकी वजह से हाथ नहीं पड़ रहा सही। तो करके आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पेच मैंने खोल ली है, तो इसके बाद ये भी बाहर नहीं आएगा, तो उसके लिए हमने ये पेच खोल खोलना पड़ेगा, इसको भी आप इजीली बाहर निकाल लेंगे। वीडियो में आपको पूरे पॉइंट बताऊंगा मैं, कोई भी मतलब इजीली घर में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली इस पर बात नहीं है। ये थोड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि मैं उसी हाथ से एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे हाथ से ये
काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ट्राईपोर्ट लग नहीं सकता, मसला ये है। तो इसको मैं इजीली इसमें ये क्या कहते हैं टेस्टर बस आगे पेशकस, सॉरी ये इस तरह सीधे मुँह का पेशकस लगा के ना इसको इजीली बाहर कर लूँगा। ये सर में ना जंग लग गया तो वो थोड़ा सा ना उसके साथ जोड़ सा गया, तो ये मैं आपको अलग करके बाद में बताऊंगा कि मेरा ये ना दरवाज़े में गिर जाएगा। मैं असल में एक हाथ से मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे हाथ से इसको इजीली कर रहा हूँ। ये खोल इसलिए ना इसका यहाँ पे एक और पेच लगा हुआ, तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इस काम में। तेल लगाने के बाद भी पीछे अगर ना खुल रहा हो ना, तो आपने ऐसे रख के फंसा के ऊपर से ये क्या कहते हैं प्लास वगैरह लगाना है, ठोक लेना साइडों से हल्का 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 हल्का, या आपने ऊपर से इसके पेच काट लेने। मैंने काटने की कोशिश की थी, ये मैंने काटा तो नीचे वाला ऐसा कटने लग गया मुझसे, तो मैंने फिर मज़ीद नहीं काटा। फिर मैंने इसका हल भी निकाला, इसको मैंने ऐसे कर करके ना खोल लिया, तो ये ईजीली पेच खुल गया मेरा। तो ये पेच नहीं लगेंगे दोबारा, नहीं लगेगा। तो अगर आपका इस तरह ठोकने से साइज़ का खुला हो जाता तो आपने मोटे पेच लगा लेना ला के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। तो ये करने के बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करना है इसके बाद। अभी पेंट मंगवा देना, काला रंग वालो, ये रंग वालो काला बेहतर लगेगा, पता नहीं चलेगा नीटनेस सर के बारे में। तो उसके अलावा वो टेप भी मंगवानी है, चौबीस टेप चाहिए, इसने साड़ी उसमें लगा लगा के खत्म की। मैंने बड़ा पिता का नाम बताया, जहाँ 10 रुपये के में काम चल रहा था वहाँ 10 रुपये में चलाऊंगा, लेकिन इसने वो काट काट के काट काट के अच्छा, वो पेज नीचे लगे होते हैं और ऊपर लगा होता है। अरे कटोरी लाओ उसमें डालो सारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। इसके अंदर भी करोगे ये चिटा चिटा जहाँ भी ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर अंकुर करूँगा।
दूर और नजदीक और मुझे आना हम लोग जाते हैं। मैं लेके ले आया था कुछ मुझे कहाँ से लेके आया था मैं तो शालामार बाग से लेके आया था और उससे पहले वो जो तो कितनी दूर है क्या कहते हैं तारे वगैरह लगे हुए ठीक है। ये फ्रिज की तार आ रही है ऊपर से तो ये फ्रिज उठा के मैंने उधर लेके जाना है मतलब इसको साफ पेंट वगैरह करना। तो अब मैं इसका इसे ना अपने स्क्रीन शॉट ले लेते हैं तो कभी भी आप तार टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगाएंगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी यार ढूंढे कौन सी तार कहाँ लगी हुई है तो आपने स्क्रीन शॉट लेना है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब नाड़ी में नहीं पता होता कि रिले में कौन सी तार कहाँ लगती है। तो और बेस्ट भी यही रहता है कि आप खपोगे नहीं आप इजीली तार लगा लोगे तो बेस्ट यही मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप स्क्रीन शॉट ऐसे ले लें। बस कनेक्शन भी बता देता हूँ ऐसे आपने स्क्रीन शॉट ले लेना मेन की जो तार आ रही होगी तार निकालने से पहले स्क्रीन शॉट ले लेना। अब इसमें ये क्या ये देखो ये काली तार न्यूट्रल आई हुई है ये आ रही है फ्रिज से तार ये देख सकते हैं मेरे हाथ में मोबाइल मुश्किल हो रहा एक मिनट तो ये तार आ रही है फ्रिज की ठीक है ये तार आ रही है फ्रिज की ये फ्रिज की आ रही ठीक है। तो ये एक तार लगेगी देखो न्यूट्रल में लगी हुई है ब्लैक तार न्यूट्रल में गई ठीक है ये एक फेस की इधर गई तार ये एक तार इधर गई ठीक है। और अब ये आ रही है मेन स्विच से तार दो तारें आती हैं मेन स्विच से तो एक इधर लग जाएगी सॉरी इधर लग जाएगी एक इधर लग जाएगी ठीक है। और ये लगा हुआ है कैपेसिटर यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है और यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है सॉरी एस लिखा हुआ है ठीक है। तो यहाँ आप उल्टी सीधी भी लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी उल्टी सीधी लगा लोगे नो इशू ठीक है। तो मसला कोई नहीं है इसमें सीधी सीधे ऐसे कनेक्शन होते हैं ये देखें ये मेन आ रहे हैं पीछे से मतलब स्विच से तार आएगी ये ठीक है। कईयों की ये तीन भी होती हैं मतलब अर्थ का भी डाला होता है अर्थ हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही है अर्थ उर्थ कोई नहीं होता यहाँ तो अर्थ रखते ही नहीं है। और ये आ रही हैं ठीक है ये आ रही हैं फ्रिज से तारें ठीक है ये एक ब्लैक न्यूट्रल में लग गई ब्लू इधर चलेगी ब्राउन इस साइड पे चलेगी ठीक है। ये रिले मैंने ऐसे पकड़ी हुई देख लें रिले का आप और अब दो सोच रहे होंगे ये तारें दो किस चीज़ की आ रही हैं तो ये मैंने एक फ़ैन लगाया हुआ है ये फ़ैन की तारें ये फैन की तारे होते हुए ये मैंने एक बटन लगाया हुआ बटन के बाद ये पंखा लगाया तो ये भी एक जुगाड़ है। तो मैंने बड़ा फ़ैन लगाया था इसमें छोटा फ़ैन लगा हुआ था। दूसरा आपने ये देखना है कि ये ट्रे वगैरह होती हैं तो इनमें पानी जम हो जाता है इसकी वजह से ये कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाता है। कंप्रेसर पर आपने पेंट मार के लाजमी रखना इसको जंग लगने से वरना ख़राब हो जाता सॉरी। तो ये भी हमने चेंज किया था ये देखें और माशाल्लाह सही वर्क कर रहा है कैपेसिटी ये चेंज किया था कंप्रेसर इसका कंप्रेसर उड़ गया था। तो अब ये देखें इसको पेंट स्टार्ट कर दी है तो ये कंप्लीट आने के बाद आपको मुकम्मल आ जाएगा। और दूसरा कोई कारण था इसमें ये पीला पीला आ जाता है ना यहाँ पे तो आपने ये मिट्टी का तेल है और उससे कहना है कि वाटरप्रूफ चाहिए हमें ये रेगमत एक होता है दूसरा ये वाला एक मिनट ये वाला तो ये पानी से ना ड्रिप हो जाता है ये पानी वाला नहीं है तो आपने वाटरप्रूफ लेना ठीक है। तो ये पूरा खुला हुआ आप कह रहे हो बाद में प्योर फेज दिखा दिए पहले प्योर दिखा देते हैं तो इसको कलर के बाद में आपको दिखाऊँगा कि ये एक न्यू फ्रिज बन जाएगा। फाइनली मेरा ये पेंट हो गया तो ये मैंने यहाँ शॉपर शिप कराए थे सॉरी टेप मेरा पेंट मुकम्मल हो गया तो ये मैं आप देखें शॉपर इससे ये फायदा ये मैं आप देखें आपके सामने पेंट हो गया हमारा तो हम ये शॉपर उतार रहा हूँ पेंट हमारा मुकम्मल हो गया सो
अब हमने इसकी जो टेप लगाई थी साइडों से ये उतार लेंगे। ये देखें फिर भी कहीं कहीं ना पेंट आ गया है, तो इसको रिमूव कैसे करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। आपने मिट्टी का तेल लेना है और रेगमाल लेना है, ठीक है, वाटरप्रूफ रेगमाल। तो साइडों पे हल्का हल्का लगाना है इस तरह कि ये बाहर का जो कलर है ना ये ना उतरे आपका। तो ये भी आपको करके इंशाल्लाह बताएंगे। अब ये देखें मैंने यहाँ से टेप लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, ये टेप लगा रहा हूँ मैं। तो आपने साथ साथ टेप लगाते जाना है और इस तरह हाथ आपने ना प्रॉपर पेड़ में इसको बिठाना है ऐसे करके, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदा का ही मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। मैं पूरे पर टेप लगाऊँगा, अभी मैंने लगाई नहीं, सिर्फ अभी स्टार्टिंग यहाँ से ली है, ठीक है। तो आपने इस तरह लाजमी करना है, सासर लगाते जाना, हाथ फिर जाना। मेरे हाथ में फ़ोन है वरना मैं आपको दिखा के बता देता, तो माजरत है, इस तरह काम चला लें आप। ये मैंने प्रॉपर टेप लगा ली, ठीक है, और ये टेप हमने चौड़ी वाली ही लगवा ली है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये कवर हो जाएगा सारा, बाउंड्री इसकी पूरी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है पानी, इसकी वजह से जंग लगता है, इसकी वजह से रपटों में जंग आता है, इसकी वजह से डोर बंद नहीं होता और ये कूलिंग ओवर कर लेता है। तो इसलिए मैंने पेंट करके तो उसके ऊपर टेपे लगाई है, ठीक है। तो आगे आपको वीडियो बताता हूँ, पूरा ख़र्चा भी आपको बताऊँगा इसके ऊपर कितना आता है, और ये ईज़ीली आप घर में कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो पूरा प्रॉपर इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। रंग कितना लगेगा अपने कपड़े की मदद से मिट्टी का तेल लगाना है तो ये रंग उतर जाएगा। अगर आपका फिर भी ना उतरे तो आपने गाड़ी वाली शॉप पे चले जाना, उनसे कहना कि आपने 100 रुपीज़ का कंपाउंड दे दें, तो वो कंपाउंड लगाएंगे तो सारा ये रंग कितना मर्जी गाढ़ा उतर जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर आपने बैठा देना इजीली बैठ जाएगी।
Thank you.
ये देखें जो ले मैंने ऐसे पकड़ी हुई, ठीक है ये ले। अब यहाँ पे लगा लेना आपने कैपेसिटर, लगा लें तो ठीक है, नहीं लगाएंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये आ रही है मेन तार पीछे से, ठीक है, ये एक इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, ठीक है। और जो ये दो तारें हैं ये आ रही हैं पंखे की, ये पंखा लगा हुआ है 220 वोल्ट का लगाना है, 12 वोल्ट का ना लगा लेना टाखा बच जाएगा, 220 पे डायरेक्ट जाता है, ठीक है करंट। अब मैं आपको फ्रिज की तार दिखाता हूँ, अब ये आ रही है फ्रिज की तीन तार है, ठीक है। ये चौथी अर्थ भी होती है लेकिन हमारे पाकिस्तान में अर्थ नहीं है तो अर्थ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो काली तार है ना इसमें से आपने काली ढूंढ लेनी है, ये न्यूट्रल में लग जाएगी, ये न्यूट्रल लिखा हुआ, ठीक है। ये लगा दिया हमने, और ये तार ना थोड़ा टाइट लगनी चाहिए, इसने लग रही, वरना आपके अगर ये खुले हो गए तो प्लास से थोड़ा सा ना दबा देना, ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है। अब ये ब्लू तार हमने यहाँ लगा देनी है, ठीक है, ये लग गई। अब ये ब्राउन तार हमने यहाँ लगा देनी है, ठीक है। और अब जो ये रिले है हमने इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है, हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब ये शुरू है, ये हमने ये यूज करना है, वो बिजली ज्यादा खाता है, ऑन कर देते हैं हम इसका, ऐसे ये गिनती में खत्म हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। ए बिस्मिल्लाह, ये हमारा कंप्रेसर चल पा, ठीक है। और आप पहले ये फैन चला तो ये फैन का बटन बंद है मेरे ख्याल से, फैन नहीं होना, तो फैन का कोई मसला नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे कैसा लगा। आपको फ्रिज दिखा रही थी, ये फ्रिज बंद, तो इसकी अभी बॉडी यही ऐसी है, इंशाल्लाह ये दरवाज़े लगाते हुए भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखें इतना लशमुश मार रहा, तो इसको मैंने अभी साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा उस पर हालत गंदी थी, आपने देखी होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा गंद ये अभी भी है, ये भी इंशाल्लाह साफ़ कर लेंगे। फ्रिज चल रहा है और ये फ़ैन चल रहा है, फ़ैन का मसला क्या है ये भी हल करते हैं। इसमें आ रहा है करंट, ठीक है, फ़ैन में, और ये लोड नहीं ले पा रही, चल नहीं रही, हालांकि ये देखो घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, तो इसका भी हल निकालेंगे। अब मैं बंद कर दूँगा फ्रिज को, मैंने ऑफ कर दिया ना, और ये मेरे पास है मिट्टी का तेल, कहते हैं ना हम पाकिस्तानी लोग हैं भाई, सीधी बात है, हम हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। फ्रिज मेरा बंद है इस टाइम, आपने भी बंद कर लेना है, फिर इसको मिट्टी का तेल हल्का सा दे देना, ये ना थोड़ा सा डस्ट की वजह से हो जाता है काम। बिस्मिल्लाह रन करके चलाते हैं, ये 9 गिनती ख़त्म होने पर चल पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, पहले तो चल रहता था, ये
यार ये फैन का वो रोला ही है वाला, चल क्यों नहीं रहा मुझे नहीं समझ। अल्लाह का मोटर उसकी जोर तो दे रही है और उसमें मूव भी कर रहा सही। एटी का तेल डालने के बाद ना आपने साथ ही इसको पावर सप्लाई देनी, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इसको सुखा के या ब्लोड मार लें या धूप में रख लें थोड़ी देर, जब भी आपको लगे खुश्क हो गया तो उसको आपने करंट देना, ठीक है? इसके बाद में बिल्कुल पेचिए डीजें, ठीक है? और इसको हम ये बंद करेंगे, इसको हम छीके से बिठा देंगे, ठीक है? ये हमने कुंडी लगा दी, इसकी कुंडी, ठीक है? ये अब ये हम से बिल्कुल आराम से टाइट कर लेंगे, तो ये जेट्स को दी हो जाएगी, ठीक है? मसले वाली बात। अब ये वाशर इसलिए लगाइए कि वो ना पेच अंदर को जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वाशर लगाइए। ये आपने लाजमी चेंज करना, दरवाजे जब दरवाजे खोलेंगे ना, मतलब ये प्ले आ रही है, दरवाजे में प्ले आने लगे थे, ये बुश होते हैं, तो ये बुश चेंज करने होते हैं, मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है? अब इसको मैं आराम से स्क्रू डीडा कर लेता, टाइट कर लूँगा और इजीली काम हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको पूरा कर लेता हूँ। टाइट करने से पहले आपने ये ज़रूर रखना कि ये बुश फूल देखें बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा पेंट उतर गया था, मिट्टी लगी इस पर, तो ये देखें ये बुश फूल बैठा है इसके अंदर। और ये चीज़ में भी अगर प्ले आ जाए ना, मतलब बुश फिट ना बैठ रहा, तो आपने कागज़ फंसा के ना, तो ये बुश, ये वाले बुश लगा लेना, इसमें कागज़ ठोक के ना, तो इजीली कोई मुश्किल नहीं इसमें। अब मैं आपको ऊपर दरवाजा लगा देता हूँ। फिटिंग में तंग कर रहा ना, मतलब बंद डोर नहीं हो रहा, तो इसमें ना प्ले होती है थोड़ी सी, तो एडजस्टमेंट होती है। आप थोड़ा सा इस तरफ पर जोर लगाएंगे ना, मतलब इस तरफ जोर लगा के आपने उठा के, तो आपने पेज टाइट कर लेना। ये देखें ये प्ले होती है, मैं आपको दिखाई दे, टाइट कर लिया था काम। ये देखें ये प्ले, ठीक है? ये आपने साइड पर रखनी है और फिर आपने इजीली जहां आपका फिक्स आता है ना उस पर रख के आपने इसको पेज टाइट कर लिया, ठीक है? फाइनली देखें दरवाज़ा कंप्लीट बंद हो गया। देखें ये रबर फुल सर लगी हुई है और ये देखें ये बैठी हुई पूरी, इस तरह आपने बिठा देना, ठीक है? क्योंकि अगर नीचे वाला डोर आप सही नहीं बंद करेंगे ना, तो ऊपर वाला डोर प्रॉब्लम देगा। अब लोग सोच रहे, भाई सोच रहे होंगे कि ये टेप मैंने क्यों लगाई। अब तो देखें, ये देखें मैंने बंद कर लिया डोर, ये देखें फुल बंद है, कंप्लीट हो गया। ये देखें वाशर बुश बैठा हुआ सही इसके साथ बैठा है, तो इसको आपने बंद कर लेना है। इसलिए बंद करके पेच ये थोड़े ढीले रखने हैं आपने, इसको थोड़ा सा जोर लगाना है, इसको जोर लगाना है, इस सर पे धक्का धक्का लगाना है, जोर लगा के इसको ये उठ जाएगा, तो आपने इसको ऐसे करके बिठा लेना पूरा, ठीक है? तो उसके बाद आपने पेच टाइट कर लेना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आप। और खुश भाई ये मैं अब इसका भी बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ ये टेपे क्यों लगवाई थी आपसे। तो ये टेपे मैंने इसलिए लगवाई थी कि यहाँ पर ना इसमें पानी आता है, तो ये जंग लगता है साइडों पर, और ये रबड़ों की हालत शुरू में आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि किस कदर की हालत थी इसकी ख़राब, इसलिए हम मैंने यहाँ पे ये लगाया, कुंडी लगाई है। ऊपर वाले डोर पे भी कुंडी लगेगी अगर ये डोर बंद नहीं सही होगा तो, क्योंकि मैंने टेप नहीं उतारनी, टेप इसलिए नहीं उतारनी कि ये ना सारा बॉडी पे जंग लग जाता है, फिर ये बॉडी आप चेंज करवाओ, पट्टियाँ चेंज करवाओ, तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये देखें इसमें ना ये भी हल्का हल्का देखें जंग सा लगा हुआ है। ये रबड़े मैंने वो लेके आना था, क्या कहते हैं, मैंने गाड़ी वाले शॉप पे जाना था, तो उनसे मैंने कहना था कि वो रंग उतारने वाला दे दें मुझे, तो मेरा चक्कर नहीं लगा, मैं गया नहीं इसलिए। तो ये थोड़ा सा रंग रह गया ना, मिट्टी की तरह से काफ़ी साफ़ किया था लेकिन हुआ नहीं, काफ़ी हो गया, काफ़ी तक हो गया लेकिन थोड़ा बहुत। तो ये टेपे इसलिए लगवाई थी, समझ गए ना आप मेरा मकसद। अच्छा इसमें ख़र्चा कितना आया ये आप खुद करोगे, इसलिए मैंने ये काम किया है ना कंप्लीट, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में।
तो बिपोला रोड पे दिखाना है तुम आपको, मैं जानता है कंप्लीट्स का खर्चा ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, तो कंप्लीट्स का खर्चा ये है कि मैंने टेप ली है, टेप का रोल, तो इसका कंप्लीट खर्चा तकरीबन आ जाता है 120 रुपए की मैंने ये टेप ली थी, और 340 रुपए का पेट्रोल था मेरे ख्याल से, और 380 की डब्बी है मेरे ख्याल से, कम ज़्यादा रेट हो सकता है, तो टोटल मेरा तकरीबन इस पर 1000 रुपये लग गया था, और ये मुझे 50 रुपए के बुश दिए थे इसने, 3 बुश, चौथा वो चौड़ा वाला बुश था वो मुझे मिला नहीं, कहता हमारे पास नहीं आते ये, हम 3 ही आते, तो मैंने ये 3 रिप्लेस किए और वो चौथा वही बुश डाल दिया, था नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है, ये ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं ये वाले बुश और वो वाले बुश, नीचे तो वो लोहा उसमें लग के लगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, तो मेरा तो 1000 रुपये लग गया इसके ऊपर, तो 1000 रुपये में फ्रिज ये देख लें, इसकी हालत देख लें, कंडीशन देख लें, न्यू हो गया ये, लुक देखें, डोर आप लगा दिया ठीक है ये साइड उसे देख लें, तो इसको आपने इस तरह पढ़ के ना ठोक लेना है ताकि ये देखें ये बुश इसके ऊपर देखें फुल बैठ गई, नीचे वाला भी बैठा हुआ, नीचे वाला पहले वाला बैठा हुआ, ऊपर वाला हमने बिठाया है अभी ठीक है ठोक ठोक के, तो अब ये लगाना है इजीली, कोई मस्कत नहीं, अब ये देखें ये बाहर आ गया, ये गया ये बाहर आ गया, मैंने कहा ये डोर बंद करते हुए आपको दिखाई दूंगा प्रॉपर इसके बारे में, अच्छी तरीके से बिठा दें बस, पर कोई और चीज़ नहीं तोड़ा वगैरह नहीं मारना कि ये ख़राब ही हो जाए, इसको इधर को धक्का दे के ना इस समय धक्का देना अंदर की तरफ, और आपने पीस को मिक्स कर
भी कंप्लीट हो गया। ये देखें फाइनली डोर भरे। ये टेप लगाने का मकसद इसलिए था कि यहाँ इस पर संग नहीं लगेगा, अब साइड पर ना यहाँ संग आ जाएगा तो संग नहीं आएगा, इसलिए टेप लगवाई थी मैंने। जो पानी का काम है ना उसमें संग इसलिए आ जाता है यहाँ पर प्लेटों पर, तो ये रबड़े गंदी नहीं होगी। नंबर दो, ये देखिए टेप लगाने से भी डोर की वो मैगनेट ख़त्म नहीं हो रही, बंद हो रहा दरवाज़ा। अगर नहीं हो रहा होता ना दरवाज़ा तो मैंने यहाँ पर ये बड़ा क्लिप लगाया था, क्योंकि ये नीचे वाला ना बंद नहीं होता, थोड़ा सा मसला देता है। तो ये क्लिप लगाने की वजह से देखो कितना टाइट हो गया। रबड़े कभी ना चेंज करवाएं, रबड़े जो जेन्युइन है वो जेन्युइन चीज़ ही होती है, उसको आप साफ़ करें और वही लगाएं। दरवाज़े अगर बंद कर नहीं हो रहे तो ये बुश वगैरह का मसला आता है, ये बुश चेंज कर लें। फिर भी अगर सोल्व ना हो तो एडजस्टमेंट कर लें, फिर भी अगर सोल्व ना हो इसके बाद भी तो आपने कुंडी लगा देनी। तो ये आपने कोई भी खड़ पीछे ले लेने खड़ पीछे, ठीक है, या उसे कहना है कि जो लोहे में पत्थर में नहीं लगते पीछ, उनके मुंह बने हुए थे खुद ही, आपने स्टील की ले लेनी हल्के हल्के रखे, इस पर ठोक लेनी साइडों पे, दोनों साइडों पे, उसके ऊपर आपने ये खड़ पीछे काले रंग के होते इतने जैसे लगाने हैं आपने, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने कि यहाँ से ये आड़ पाड़ हो गए, छोटे से लगाने, इससे ये कोई नहीं हिल रहा, ये मजबूती इतनी आएगी। तो ये आपने इजीली लगा लेने, कोई ड्रिल मशीन की कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये घर में इजीली लगा देंगे, ठीक है। और एक बात और बतानी थी आपको कि जब भी ये दरवाज़े बंद करने ना, आपने इनकी फिटिंग करनी है, तो ये देखना खाली है, इसको बंद करके इसमें जालियाँ लगा के तो दरवाज़े कभी भी नहीं बंद करने, आपके एडजस्टमेंट ख़राब हो गए। आप जालियाँ बाद में लगा लेनी है और फिर ये बंद कर देना, कंप्लीट हो गए। और ये मैंने जालियाँ लगा लिया, ठीक है, जालियाँ आपने बाद में लगानी फिटिंग के बाद सारी। ये बंद हो गया माशाल्लाह, पूरा प्रॉपर बंद है, ठीक है। ये जालियाँ भी कोई ना कभी बाहर आ जाती है, उसकी वजह से ना ये दिक्कत देते हैं। ईसानी के लिए यही है कि आप इस पूरा खाली करके फिर इसके दरवाजे बंद कर, ये देख ये मतलब कसे में करें, और इसके बाद अब बाद में अब जालियाँ लगा ली, इसने मैंने लगा ली फूल बंद हो। तो अपने भाई को इजाज़त दें और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, काइंडली मैसेज करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये, क्योंकि देखें महंगाई इस कदर की चल रही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है कि बंदा क्या करे, गरीब बंदा कहाँ जाए। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि किसी मेरे भाई का भला हो जाए, वो सीख ले और उसको इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैंने पूरी फ्रिज की गार्डलैंड दी है आपको, रिले तक के बारे में बताया कि रिले कैसे लगानी है, उसके कनेक्शन वगैरह। और मेरे किसी भाई को कोई वीडियो की मालूम चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रिक की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कोई मसला आया हुआ, तो ईज़िली इंशाल्लाह हम उसका हल करके बताएंगे ज़रूर आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर करें, और फ्रिज के मतलब किसी को वीडियो बात वगैरह पूछनी है तो वो मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। ये देखें वर्क, इसकी अब कंडीशन देखें, अब ये लग रहा है कि ये वही फ्रिज था जिसकी हालत थी। तो आपने ये घर में बेहतरी कर लेना, कितना बेहतर हो गया ये। अब देखें ये मैंने टेप इसलिए लगाई थी, ये पानी ऊपर आ गया इसके, ठीक है, तो ये नीचे जंग नहीं लगेगा। दूसरा आप इसको साफ करते रहना, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह गोशे नजर ना लगा देना यार, ठीक है। बर्फ़ भी अच्छी जमा रहा है, और ये देखें एक पे चल रहा है अभी ये, तो रबड़ों का की वजह से आपका बिल भी ज़्यादा आता है, तो इसका खास ख्याल रखना कि ये देखें बंद पूरा होना चाहिए। और नीचे वाला डोर नहीं पड़ना होता, मैंने कुंडी लगाई हुई है इस पर, सॉरी ये नहीं, तो ऊपर के लिए भी मैं कुंडी लेके आया था, लेकिन ये देखें खुद बंद हो रहा है खुद, तो मैंने यहाँ पर कुंडी लगानी थी, मैंने नहीं लगाई इसलिए।
तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है माशाल्लाह। मज़ीद वीडियो आप सीधे सीधे देखते रहें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ।